हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक सौनक भीष्मदाल्या रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुए इनके पद वंदन किए नाशे विज्ञाने। बंदौं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करन कर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता रक्षा करो हनुमान
रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री ओरछा रामराजा सरकार की जय। वेत्रवती गंगा की जय। श्री पन्ना युगल किशोर जी महाराज की जय। श्री जटा शंकर भगवान की जय। श्री बागेश्वर धाम की जय। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। परम सिद्ध संत श्री सन्यासी बाबा जी महाराज की जय। श्री बागेश्वर महाराज पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जय। पूज्य संत श्री गोपाल मणि जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। समस्त बुंदेलखंडवासीन की जय। भारत माता की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि एवं उनकी आराध्या उपास्या पूज्या सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी जगज्जननी पूज्या गोमाता एवं उनके वंश को प्रणाम करते हुए श्री बागेश्वर बालाजी महाराज श्री बागेश्वर भोले बाबा जी महाराज एवं पूज्य श्री सन्यासी बाबा सहित इस पवित्र बागेश्वर धाम में विराजमान सभी अलक्षित भाव से कल्याण करने वाली जो दिव्य चेतनाएं हैं उनको प्रणाम करते हुए विराजमान सभी पूज्य संतों को हम प्रणाम करते हैं। सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं एवं हमारे अत्यंत प्रिय स्नेहभाजन श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज को उनके इस पवित्र कार्य के लिए कि इस भयंकर भौतिक काल में सनातनियों को कहीं कुछ आस्था को पुष्ट करने वाला और आस्था को एकीकृत करने वाला स्थान दिखाई पड़ रहा है, इस कार्य के लिए उनको खूब खूब हृदय से साधुवाद
एवं उनकी मंगल कामना करते हुए वे बिना रुके और बिना मुड़े इस पथ पर निरंतर अग्रसर होते चले जाएं। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए आज की कथा का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम सबके परम सौभाग्य से जिनका तन मन प्राण गो भक्ति से अनुप्राणित है, ऐसे भारत राष्ट्र के देवभूमि हिमालय उत्तराखंड के गो क्रांति के इस देश में इस काल के अत्यंत सम्मान्य प्रस्तोता श्रद्धे श्री गोपाल मणि जी को हम प्रणाम करते हैं। आपके हृदय में इस प्रकार से गाय बसी हुई है कि चाहे हनुमान चालीसा हो और चाहे राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, आपके हृदय में ऐसी गाय प्रतिष्ठित हो गई है कि आपकी जहां दृष्टि शास्त्रों में जाती है वहां आपको गाय का ही दर्शन होता है। और इसकी आवश्यकता है। हमारे ब्रज के एक महान संत थे जिनकी सत प्रेरणा से सत्संकल्प से ब्रजवासियों ने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की अध्यक्षता में सूरश्याम गोशाला की स्थापना की, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज। ब्रज के एक महान आदर्श संत थे। हमारे ब्रज में वर्तमान समय में जो गोसेवा के बड़े से बड़े कार्य हो रहे हैं उसके मूल में कहीं न कहीं पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज की प्रेरणा थी। इस समय उत्तर प्रदेश की और ब्रज क्षेत्र की सबसे बड़ी गौशाला के स्थापक हमारे ब्रज की महान विभूति परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज माताजी गौशाला के माध्यम से लगभग 1,00,000 गायों की सेवा कर रहे हैं। उसके मूल में भी पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी की प्रेरणा, क्योंकि बाबा जब जब ब्रज परिक्रमा लेकर मान मंदिर से आते तब बाबा उनको गो सेवा की प्रेरणा देते और बाबा एक ही कहते कि हम तो मधुकरी मांग के पाने वाले हैं, हमसे इतना बड़ा कार्य कैसे होगा, लेकिन राधा रानी ने करवाया है और राधा रानी करवा रही है। वो पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज का एक वाक्य है, वे प्रायः आने वालों से कहते थे, जो कोई उनसे पूछता था कि महाराज जी कोई बात हमको एक वाक्य बताइए हम क्या करें, तो वैसे तो बोलते बहुत कम थे लेकिन किसी पर ज्यादा प्रसन्न होते थे तो वे एक बात जरूर कहते थे, गाय को मन में बसाइए। क्या कहते थे? गाय को मन में बसाइए। आपके मन में गाय बस जाएगी तो आपको सर्वत्र गाय दिखेगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि गाय हमारे घर से, हमारे खेत खलिहान से ही विदा नहीं हुई, गाय हमारे मन से विदा हो गई, हृदय से विदा हो गई। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे खेत खलिहान में, हमारी देव पूजा में
हमारे धार्मिक कृत्यों में, हमारी चिकित्सा में, हमारे जीवन शैली में गाय कैसे स्थापित होगी, उसका एक ही साधन है, गाय को मन में बसाइए। गाय हमारे मन में बसे, आज एक बड़ी सुंदर बात हमने पूज्य गोपाल मणि जी के मुखारविंद से सुनी कि धरती धेनु स्वरूपा है, गो स्वरूपा है। ये आप सब जानते हैं कि धरती का आज ही दैविक स्वरूप गाय का है, इसलिए गो स्वरूप धारण करके ही धरती भगवान के अवतरण की प्रार्थना करती है। और सीता भूमि पुत्री है और भूमि गाय का स्वरूप है, इसलिए जानकी जी भी गो स्वरूपा हैं। ये बात नई बात पहली बार हमने आपकी वाणी से सुनी और सुनकर मन बहुत आनंदित हुआ। इस प्रकार की बात तब तक मन में नहीं आएगी जब तक मन में गाय की प्रतिष्ठा नहीं होगी। हम अनुभव करते हैं हमारे इस देश के महान गो उपासक संत गो ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, पथमेड़ा महाराज जी, जिनका श्वास प्रश्वास गाय के लिए ही समर्पित है, ऐसे परम पूज्य पथमेड़ा महाराज जी उनके वक्तव्य की एक विशेषता है, किसी सभा में किसी मंच पर और किसी प्रकरण में उनका वक्तव्य यदि होता है तो उनके वक्तव्य में, उनके वक्तव्य के केंद्र बिंदु के स्थान में वेद लक्षणा भारतीय गाय रहती ही है, क्योंकि उनकी दृष्टि ही पूरी तरह गाय को समर्पित है। श्री गोपाल मणि जी ने तो हम आप सबको खुला निमंत्रण दे ही दिया है। हमारे सुनने में आया है कि इस बार पूज्य पथमेड़ा महाराज जी अपना चातुर्मास दिल्ली में ही कर रहे हैं। तो दिल्ली में उनका चातुर्मास्य हो रहा है, यह भी एक अत्यंत शुभ संकेत है। और उनके चातुर्मास्य से बहुत बड़ी भूमिका का निर्माण होगा। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, वो भी लोगों को सबको बारंबार यह आग्रह करते हैं कि हिंदू कहलाने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसके पास कम से कम एक गाय है। उनका नारा है गौशाला है नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। गौशालाएं समाधान नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, पर समाधान न होते हुए भी वर्तमान समय की अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है। बहुत से आस्थावान हिंदू वो घर में गाय तो रखते हैं पर इतना अवकाश उनके पास नहीं है कि वे बहुत बड़ी संख्या में गाय रख सकें, और गायों की वृद्धि होगी तो वे अपनी गाय कहां दें, कहां रखें। जिन्हें परिवार के पोषण के लिए
गाय की आवश्यकता की अनुभूति होती है। ऐसे कई लोग कहते हैं महाराज हम प्रेरणा से गाय रखते तो हैं, पर अब गाय घर में दो तीन ही गाय रह सकती है और वो भी घर के देव पूजा और बालकों के पोषण के लिए दूध वाली गाय की आवश्यकता है। तो गाय कभी न कभी तो ये होगी कि उसमें दूध नहीं है, उस समय आप क्या करोगे? अथवा संख्या वृद्धि होगी तब क्या करोगे? तो उस समय का समाधान गौशाला ही है। उसमें गो सेवा सदन में आश्रय सदन में ही गाय को आश्रय मिलेगा, गाय की सेवा होगी। आज इन पूज्य संतों ने देश के कोने कोनों में गोवंश की सेवा की संस्थाएं गौशालाएं यदि स्थापित न की होती तब आप कल्पना कर सकते हैं गोवंश की और अधिक क्या दुखद स्थिति होती है। हमारे सामने बिल्कुल पूज्य श्री खांडवा वाले ब्रह्मचारी जी महाराज, परम पूज्य श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज विराजमान हैं, परम गोभक्त हैं, बड़ी संख्या में गोवंश की सेवा आपके द्वारा खांडवा आश्रम में हो रही है। और ऐसी महाराज जी गो सेवा गैया का गोबर उठाने से लेकर सारी सेवा अपने परिकर सहित ब्रह्मचारी जी स्वयं अपने हाथ से करते हैं। आपको जाके पता ही नहीं चलेगा कि स्थान प्रधान यही महापुरुष है। एक पैसे का नौकर नहीं है इतनी बड़ी गौशाला में। सब समर्पित भाव से स्वयं महाराज लगते हैं और गौ सेवा का बड़ी संख्या में गाय 1,500-2,000 गाय होंगी और उन सब की सेवा और अखंड हरिनाम संकीर्तन की सेवा आपके माध्यम से हो रही है। सैकड़ों लोगों के घरों में गाय पल गई, सैकड़ों लोग गव्य पदार्थ का आहार करने वाले हो गए इन संतों के माध्यम से ही। पूरे राष्ट्र में पूरे देश में प्रेरणा जागृत हो रही है। कितना शोरगुल हो रहा था पहले, पर जैसे ही पूज्य गोपाल मणि जी ने बोलना आरंभ किया सब शांत हो गए। उनके माँ शब्द में ही ऐसा जादू है, चमत्कार है, वो तो माँ बोलते ही सब शांत हो जाता है। हम श्री हनुमान जी के मंगलमय चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। भक्तमाल ग्रंथ में श्री नाभाजी महाराज ने दो स्थलों पर विशेष रूप में हनुमान जी का स्मरण किया। एक तो हरिवल्लभ भक्तों के स्मरण के क्रम में और दूसरे नवधा भक्ति के आचार्यों के स्मरण के क्रम में नाभाजी ने दो स्थलों पर हनुमान जी का बड़े आदर पूर्वक स्मरण किया। बहुत सावधान होकर समाहित चित्त से श्रवण करेंगे। कल हमने चर्चा की थी कि श्री हनुमत चरित्र के श्रोता स्वयं श्री रघुनाथ जी, राम जी ने स्वयं जिज्ञासा की है महर्षि अगस्त से कि हे भगवान आपने निशाचरों की उत्पत्ति
लंका की स्थापना, किष्किंधा की स्थापना, ऋक्ष बानरों की उत्पत्ति के विविध प्रसंग आपने सुनाए, बारी सुग्रीव के भी आख्यान सुनाए, पर आपने हनुमान जी का चरित्र नहीं सुनाया। हमारा इन सब के सुनने के पीछे प्रयोजन यही था कि आप ये सब चर्चा करेंगे तो हनुमान जी की चर्चा अवश्य करेंगे, किंतु आपने हनुमान जी की विशेष रूप में चर्चा नहीं की। आप श्री हनुमान जी का चरित्र हमको सुनाओ। राम जी सर्वज्ञ परमात्मा है, यस सर्वज्ञ सर्ववित। राम जी सर्वज्ञ हैं, सर्ववित हैं। राम जी से अधिक हनुमान जी के चरित्र के बारे में और कौन जान सकता है, पर सर्वज्ञ श्री राम जी अज्ञ की तरह पूछ रहे हैं। सर्वज्ञ होते हुए भी अज्ञ की तरह प्रश्न कर रहे हैं कि मैं हनुमान जी का चरित्र सुनना चाहता हूं, उसका कारण क्या है। उसका कारण यही है, हनुमान जी के प्रति रघुनाथ जी का अगाध वात्सल्य स्नेह। बालकों की कोई बड़ी उपलब्धि, उसकी सबसे पहली सूचना माता पिता को ही मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? और कोई कहने लग जा कि अरे आपने नहीं सुना, आपके बालक ने तो पूरी दुनिया में नाम किया, बहुत ऊंचा काम किया, ऐसा किया वैसा किया। तो पिता जानता है, मां जानती है, लेकिन वह एकदम अज्ञानी की तरह एकदम, हम तो मानो कुछ नहीं जानते। अच्छा ऐसा काम किया, आपने क्या सुना है? बार बार सुनना चाहता। क्यों सुनना चाहता है? इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि उनका अपने संतान के प्रति वात्सल्य है। फिर श्री रघुनाथ जी तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। वात्सल्य गुण सागर, वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। हनुमान जी के प्रति राम जी की कितनी ममता है, कितना स्नेह है, कितना वात्सल्य है, ये उनकी हनुमत चरित्र श्रवण जिज्ञासा से प्रमाणित होता है। राम जी के शब्द शौर्यम दार्क्ष्यम बलम धैर्यम प्रज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालय। हे महर्षि, हनुमान जी का शौर्य, शूरवीर में क्या अंतर है? पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते थे कि युद्ध में जिसका पैर कभी पीछे की ओर ना आवे, निरंतर युद्ध में जिसका पैर आगे बढ़ता चला जाए, शत्रु की ओर बढ़ता चला जाए, उसको कहते हैं शूर। जिसका युद्ध भूमि में पैर पीछे न पड़े, पैर आगे बढ़ता चला जाए, उसको कहते हैं शूर। हनुमान जी के पूरे चरित्र में देख लो, कहीं हनुमान जी का पैर पीछे पड़ा हो? हनुमान जी आगे ही बढ़ते चले गए।
और वीर किसको कहते हैं? युद्ध में जिसका पैर आगे बढ़ता चला जाए, पीछे न हटे, वो सूर। और वीर कौन? बोले अंग प्रत्यंग कटकट कर गिरने लग जाए। युद्ध में उत्साह कम न हो। हमारे यहां ऐसे भी उदाहरण सुने गए हैं इतिहास में कि सिर कट गया और दोनों हाथ में खड्ग लेकर सैकड़ों को मार करके तब वीरगति को प्राप्त हुई। बिना सिर के धड़ ने युद्ध किया, ऐसे हमारे यहां इतिहास है। इसको कहते वीर। ज्यो ज्यो शस्त्राघात वज्राघात हो, त्यों त्यों युद्ध में पराक्रम बढ़ता चला जाए, उत्साह बढ़ता चला जाए, उसको कहते वीर। ये परम वीर चक्र और अशोक चक्र ये सब ऐसे ही थोड़ी मिल जाते हैं। शौर्यम वीर्यम, हनुमान जी का वीर्य। बलम, हनुमान जी का बल। कितना बल है हनुमान जी में? गोस्वामी जी ने तो कहा अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। अतुलित बल के हनुमान जी धाम हैं। ये महाराज जी अतुलित बल किसमें है? श्री रघुनाथ जी में ही अतुलित बल है। उनका बल ही तो हनुमान जी में है। और उन अतुलित बल श्री रघुनाथ जी, उनका निज निवास स्थान हनुमान जी बने हुए हैं। अतुलित बल धाम, अतुलित बल श्री राम जी का धाम बने हुए। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप घर। रघुनाथ जी का संपूर्ण बल हनुमान जी में प्रतिष्ठित है। अतुलित बल धामम, बलम हनुमान जी का बल। यद्यपि हनुमान जी के बल की कोई उपमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, फिर भी कुछ तो कहना पड़ेगा। हमारे यहां हनुमान जी के संबंध में ऐसा मिलता है, हनुमान जी का बल कितना है, उसका एक मापदंड है। और उस मापदंड का अर्थ है निस्सीम बल है हनुमान जी। हनुमान जी के बल की कोई था नहीं, हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं। 10,000, ये वायु पुराण का वचन है, 10,000 मतवाले हाथियों के समान बल इंद्र के ऐरावत हाथी में है। फिर से सुन लें, कितना? 10,000 मतवाले हाथियों के समान बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में है। और 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में है। इंद्र भी कोई हल्का पतरा देवता नहीं है। 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में, तो यहां के हाथियों से इंद्र के बल की तुलना करो, कितना बल हुआ इंद्र में? अरे लगाओ गणित,
10,000 मत वाले हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में और 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में। अब हम गणित पढ़े नहीं इसलिए हम कुछ नहीं बोलते, आप लोग समझा करिए। बताओ भाई, कोई नहीं जानता है? 10,000 मत वाले हाथियों का बल एक इंद्र के ऐरावत हाथी में, तो 10,000 ऐरावत हाथियों में यहां के कितने हाथियों का बल हुआ? 10 करोड़। हैं? 10 करोड़ हुआ। 10 करोड़ हाथियों का बल एक इंद्र में होता है। इंद्र कोई सामान्य देवता नहीं है। यदि आपकी गणना सही है तो सही है गणना, क्यों? और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के एक रोम कूप में प्रतिष्ठित है। श्री हनुमान जी के एक रोया में, एक रोम में 10,000 इंद्र की शक्ति है। एक रोया में हनुमान जी कोई हमारे जैसे 3.5 हाथ के, 5 फुट और इतने इंच के थोड़ी है हनुमान जी। स्वर्ण शैलाव दे हम, स्वर्ण शैलाभ दे हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान बाबू को स्वर्ण शैल संकास कोटि रवि तरुण तेज घन, स्वर्ण शैल संकास कोटि रवि तरुण तेज घन, उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन, पिंग नयन भ्रुकुटी कराल रसना दसनानन, कपिश केस कर कस लंगूर कल दल बल भानन, कह तुलसीदास बस जास उर मारुत सुत मूरति बिकट, संताप पाप ते ही पुरुष पही सपने हु नहीं आवत निकट, संताप पाप ते पुरुष पही सपने हु नहीं आवत निकट। तो हनुमान जी में कितना बल है? स्वर्ण शैलाभ दे हैं, कितने रोया हैं हनुमान जी में, और एक एक रोया में 10,000 इंद्र का बल है। हनुमान जी में कितना बल है? कोई सीमा नहीं हनुमान जी के बल की। शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम, हनुमान जी में दक्षता है, हमारे बक्सर वाले परम श्रद्धेय श्री त्रिदंडी स्वामी जी कृपा करके पधारे और अब आज ही उनको प्रस्थान करना है, पर ऐसी दिव्य विभूति का हम सबको दर्शन हुआ, हम लोग भाग्यशाली हैं, आपको वंदन करते हैं। आप भी प्रस्थान करें।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। शौर्यं दार्ढ्यं हनुमान जी की दक्षता चतुराई ब्रह्मचारी जी महाराज बहुत से लोग शूरवीर तो होते हैं और दक्ष नहीं होते हैं। कार्य कुशलता सब में नहीं होती है। दक्षता माने कार्य कुशलता। हनुमान जी की जैसी कार्य कुशलता दूसरा कोई उदाहरण नहीं समझ में आता। बड़े कार्य कुशल है हनुमान जी। ऐसा कोई काम बताओ जो हनुमान जी को सौंपा गया हो और उसका अत्यंत दक्षता पूर्वक उन्होंने निर्वहन न किया हो, उस कार्य को उसके अंतिम परिणाम तक न पहुंचाया हो, ऐसा एक भी काम बताओ। प्रत्येक कार्य में दक्षता बहुत आवश्यक। आपके जीवन की सारी विशेषताएं एक तरफ और आपकी दक्षता एक तरफ। दक्षता माने कार्य कुशलता। बहुत से लोग उनमें अनेक दिव्य गुण होते हैं। किसी भी क्षेत्र में ले लो, शास्त्र ज्ञान के क्षेत्र में ले लो, दक्षता के अभाव में बड़े बड़े शास्त्र ज्ञान संपन्न लोग उनकी योग्यता का स्वयं को भी लाभ नहीं मिल पाता और उनकी योग्यता का राष्ट्र को समाज को भी कोई लाभ नहीं मिल पाता। शास्त्र ज्ञान में तो वे अनुपम है पर दक्षता का अभाव है। दक्षता के बिना उनका शास्त्र ज्ञान व्यर्थ हो जाता ना, अपने काम में आया ना दूसरे के काम में आया। किस काम में आया? धन होना कोई सामान्य बात नहीं है, असामान्य बात है। सर्वे गुणा कांचनमा श्रेयंती। किसी को धन आ जाए प्रारब्ध और पुरुषार्थ के सहकार से धन की प्राप्ति तो हो जाए पर उसमें कुशलता न हो तो, दक्षता न हो तो कब सड़क पे आ जाए कोई पता है? ये दक्षता है, ये संगीत है। संगीत के ज्ञान की कोई था है? हमने प्रामाणिक संतों से सुना है के श्री स्वामी हरिदास जी ने तानसेन को एक स्वर बता दिया, सा कैसा साधन करो, तो कहते सा इस स्वर के साधन में उनको 12 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? फिर भी जो विशिष्ट कृपा हुई वो स्वामी जी के अनुग्रह से हुई, उनके पुरुषार्थ से नहीं।
विद्या अगाध है, शास्त्र अगाध है, पर ये दक्षता जो है, गाने की बजाने की जो बारी की दक्षता है, कुशलता है, उस स्वर का कहां कैसे प्रयोग करना है, वो जो बारीकी है, वो न तो पढ़ाने वाला पढ़ाएगा उसको, न वो पुस्तक में लिखी है, वो तो उस व्यक्ति का स्वयं का विवेक है। बजाने वाले वही बजाते हैं सब, और हमारे जुगल जी बजाते हैं तो उनकी मिठास ही अलग है। आप भी बहुत अच्छा बजा रहे हैं, ये क्या है? इसी को कहते दक्षता। दक्षता के बिना श्रृंगार नहीं होता। हमारे ब्रज की विभूति परम श्रद्धे प्रातस्मरणी पूज्य स्वामी श्री राम शर्मा जी बहुत आगे तक संगीत उन्होंने पढ़ा था, और डीवी पुलस्कर अपने जमाने के, उनका भी सुना था, उनको भी सुनाया था, उन्होंने उन्हें उनके स्वर की प्रशंसा की थी। कितनी पुरानी बात है। पर जो गुणी लोग हैं वे अनुभव करते हैं, स्वामी जी कभी कभी ऐसा स्वर लगाते थे कि स्वर में जिनका तनिक भी प्रेम है उनकी तो कली कली खिल जाती थी, पर क्या दे दें। इसी को कहते दक्षता। प्रत्येक कार्य में दक्षता। महाराज जी रसोई में दक्षता, सफाई में दक्षता, आप विचार कर लो, हम केवल संकेत कर रहे हैं। सारे गुण, सारी कलाएं, सारी विशेषताएं, सारी विद्याएं एक ओर, और उनका अत्यंत कुशलता पूर्वक प्रयोग, दक्षता, ये एक ओर। दक्षता के बिना सब गुड़ गोबर है, किसी काम का नहीं। अब प्रवचन भी तो वही है, पर विषय को दक्षता पूर्वक प्रस्तुत करना ये कला है। दक्षता सब में नहीं होती। हनुमान जी की दक्षता बड़ी अद्भुत, अद्भुत दक्षता है हनुमान जी। हनुमान जी की प्रवचन कुशलता देखिए, राम जी कौन है, यस्य निश्वसितं वेदा, भगवान का श्वास प्रश्वास वेद है। ऐसे भगवान वेद जिनका साज श्वास प्रश्वास है, वह भगवान हनुमान जी की प्रवचन कुशलता पर इतने रीझ गए कि उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि अनुज, मैंने अपने जीवन में इस प्रकार की प्रवचन की दक्षता नहीं देखी है। किस शब्द का किस भाव भंगिमा में उच्चारण करना है, कैसे उच्चारण करना है, शब्दोच्चारण का इतना दक्षता पूर्ण प्रयोग मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा है।
ना ऋग्वेद विनीतस्य वाल्मीकि रामायण का श्लोक, संपूर्ण ऋग्वेद जिसे कंठस्थ है उसकी ऐसी वाणी नहीं हो सकती। ना यजुर्वेद धारिणा, यजुर्वेद पूरा कंठस्थ है सस्वर, उसको भी ऐसी वाणी नहीं। साम और अथर्व जिसकी वाणी में प्रतिष्ठित है वो भी ऐसा नहीं बोल सकता। नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरतानेन न किंचदप शब्दितम। इसने व्याकरण शास्त्र का लगता है पता नहीं कितनी बार अध्ययन किया होगा, इतनी देर से ये बोलते चले आ रहे हैं, इनके उच्चारण में कहीं भी अणुमात्र अशुद्धि नहीं हुई। किस वर्ण का कहां से उच्चारण करना, वहीं से उच्चारण हो रहा है, और वह भी खूब साहित्यिक भाषा में उसका विन्यास हो रहा है, साहित्यिक प्रयोग, अर्थालंकार भी है शब्दालंकार भी है। ऐसी अलंकारिक वाणी, इतना कुशल वाक्पटु सचिव जिस राजा के निकट है, वह राजा निश्चित ही हमारे मैत्री के योग्य है, वो विपत्ति में हमारा सहायक होगा। हनुमान जी की दक्षता ने राम जी को सुग्रीव के शक्य के लिए प्रेरित किया। अब ये कौन सिखाएगा लंका में जाने के बाद कि जानकी जी से किस भाषा में बातचीत करनी है। हनुमान जी सोच रहे हैं, यदि वाचम बदिश्यामि द्विजाति रिव संस्कृतां रावणं मन्यमानामां सीता जिस भाषा का प्रयोग राम जी से संवाद में कर रहे हैं हनुमान जी, उस भाषा का प्रयोग जानकी जी के सामने नहीं करते। क्यों? यदि द्विजातियों के समान पांडित्यपूर्ण संस्कृत भाषा में मैं बोलूंगा तो जानकी जी को भ्रम हो जाएगा कि ये निश्चित ही रावण है, ये बानर रूपधारी रावण है, जो रावण यति रूप धारण करके मेरा हरण कर सकता है वही रावण बंदर के रूप में आया। और जब वो विश्वास ही नहीं करेंगी तो राम जी का संवाद में कैसे सुनाऊंगा। तब हनुमान जी ने ग्राम्य भाषा में उनसे बातचीत की, प्राकृत भाषा में बातचीत। टीकाकार गोविंदराव स्वामी जी ने तो कहा अवध क्षेत्र की भाषा में बातचीत की। उस काल में भाषा संस्कृत ही थी पर क्षेत्र क्षेत्र के बोलने की पद्धति अलग थी। और जब जानकी जी की भाषा में, अयोध्या की भाषा में जब राम जी का चरित्र सुनाया तो राम चंद्र गुण बरने लागा, राम चंद्र गुण बर
हनुमान जी की दक्षता है, खाली शक्ति लेके जाते तो काम बिगड़ जाता। सुरसा को परास्त करना ये हनुमान जी की दक्षता है। उसने कहा मेरे मुंह में तो जाना ही पड़ेगा। हनुमान जी बोले बच्चा केवल इतने मुंह में जाना, मुंह में नहीं पेट तक घूम के आएंगे हम तेरे। और पहले तो मुंह खोलने का उपक्रम हुआ, नाटक हुआ, और जब उसने 100 योजन का मुंह बना लिया तो हनुमान जी इतने सूक्ष्म हो गए कि 100 योजन में कहाँ पता चले। मच्छर के जैसे हनुमान जी भीतर गए, भीतर तक आंतों तक घूम के चक्कर काट के आ गए। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सुरनावा। धन्य हो दो, ये है दक्षता, बल के साथ यह दक्षता। मैनाक पर्वत का आतिथ्य स्वीकार न करके केवल हाथ से स्पर्श करके उनको आदर कर देना, यह हनुमान जी की दक्षता। प्रत्येक कार्य में दक्षता बहुत जरूरी है। शौर्यं दार्ढ्यं बलं धैर्यं। हनुमान जी का बल, हनुमान जी का धैर्य, पूरे हनुमत चरित्र को देखिए भैया जी, आदि से अंत तक हनुमान जी की दक्षता। एक प्रसंग बंगला रामायण का है, कृतिवास रामायण का एक प्रसंग है। राम जी उदास हो गए, रावण मर नहीं रहा है। राम जी ने विभीषण की ओर देखा, राम जी सर्वज्ञ हैं पर नर लीला कर रहे हैं। विभीषण के प्रेम की परीक्षा के लिए विभीषण की ओर देखा, मानो राम जी के नेत्र प्रश्न कर रहे थे कि रावण क्यों नहीं मर रहा है। विभीषण जी ने कहा भगवान हमने एक इतिहास सुना है, आपके पूर्वज महाराज रघु थे जिनके कारण आपके वंश को रघुवंश कहा जाता है, आप रघुवंशी कहे जाते हैं। वो रघु महान योगीश्वर थे, महान पराक्रमी थे। एक बार रघु से युद्ध करने रावण आया और रघु बड़े ब्राह्मणों के भक्त थे, वे ब्राह्मण के सामने अस्त्र उठाते नहीं थे, वे रावण से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन रावण उनसे युद्ध करने आया। वे उस समय मध्यान्ह संध्या कर रहे थे सरयू जी में, रावण पहुंचा, क्योंकि संध्या के बाद जब वो बाहर निकलते थे कोई ब्राह्मण कुछ भी मांगे उसको दे देते थे। तो रावण ने सोचा ऐसे तो मिलेगा नहीं युद्ध, मैं ब्राह्मण होने के नाते युद्ध की भिक्षा मांग लूंगा। रावण प्रतीक्षा में था युद्ध की भिक्षा मांगूंगा, और वे ऐसे राजर्षि थे कि रावण किस प्रयोजन से आया ही उनको पता लग गया। अंतर्यामी तो होता है, कई महापुरुषों में हमने देखा अंतर्यामी तो। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज थे, विलक्षण अंतर्यामी तो था उनमें। एक बार हम लोगों ने योजना बनाई
कि उनकी कुछ वाणी टैप हो जाए तो अच्छा है। तो एक हमारे मित्र महापुरुष हैं, बहुत अच्छे संत हैं, वर्तमान नाम उनका महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती जी, ये नाम है उनका, पहला नाम दूसरा था। महाराज जी से उन्होंने भी कुछ साधन प्राप्त किया था, महाराज जी की बड़ी कृपा थी उन पर, आज भी कृपा है। तो उनके पास छोटा वाला रिकॉर्डर था, टेप था, तो हम लोगों ने कहा महाराज जी से बातचीत करते समय उसको ऑन कर लेंगे, रैला के भीतर कैसेट चलती रहेगी, कुछ भी महाराज जी बोलेंगे उनकी वाणी उसमें आ जाएगी। और वो 90 मिनट वाली कैसेट आती थी, एक 90 मिनट वाली, वो 90 मिनट वाली कैसेट ऑन करके बैठे, हम भी बैठे, और उनके आते ही महाराज जी हर बार बात करते थे उनसे, और जब वो आए तो ऐसे बैठ गए। पूरे 90 मिनट तक वैसे ही बैठे रह गए। ये हिम्मत किसी की नहीं थी कि उनके सामने कोई बोल दे, छेड़ दे उनको। अंत में जब फट से वो बटन हुआ, भीतर से कुट से हुआ, कैसेट पूरी हो गई, बंद हो गई, मशीन बंद हो गई। वो देखे महाराज जी तो बैठे ही हैं, धीरे से उठे और चले गए। हमको भी इशारा किया कि हम जा रहे हैं, चले गए। बस गेट से बाहर हुए नहीं, महाराज जी कहते है तेरी जय रे तेरी, मशीन में भरने आया था आवाज, मशीन में आवाज भरने आया था, मैं बोले ही नहीं, मशीन में भरने। अब ये किसने बताया था उनको मशीन में भरने आया, उनकी इच्छा। अंतर्यामी तो ऐसा था विलक्षण, मैंने हम कह नहीं सकते आप। वो कहते थे 1,00,000 लोग मेरे सामने हों या इससे ज्यादा, उनमें से किसी एक व्यक्ति को सामने लाकर खड़ा कर दो, जैसे साफ दर्पण में छवि दिखती है ऐसी उसके कई जन्मों के संस्कार, और इस जन्म में ये क्या करता है, ये सब पिछले जन्म के क्या, उस सब मुझे ऐसे दिखते दर्पण में स्पष्ट छवि। उनके सामने नाटक बना के कोई नहीं आ सकता था, नाटक बना के किसी का नाटक चलता ही नहीं था उनके सामने, ऐसे महापुरुष थे। तो किस प्रकरण में हम कह रहे थे ये बात है? हाँ, हम कह रहे थे रघु जी का अंतर्यामित्व, पवित्र आत्माओं में अंतर्यामित्व होता है। वो जानते थे किस लिए रावण आया, वो युद्ध करना नहीं चाहते थे रावण से। वो संध्या करके बाहर निकले रघु जी, वो हाथ में जल लेकर उन्होंने ऐसे फेंका, दक्षिण की ओर फेंका, फिर सूखे वस्त्र धारण किए। तो रावण ने कहा भगवन मैं भी ब्राह्मण हूं, कर्मकांड की विधियां जानता हूं, इस तरह से मध्यान्ह संध्या के बाद बाहर आकर दक्षिण की ओर ऐसे जल फेंकना, ऐसी कोई विधि तो है नहीं, तो आप बिना विधि के तो कोई कार्य कर नहीं सकते, आपने क्या किया, ये क्या है, ये कौन सी विधि है? तो रघु जी ने कहा कि दंडकारण्य क्षेत्र में एक अग्निहोत्री तपोधन ब्राह्मण की गाय चर रही थी, उस पर सहसा सिंह ने आक्रमण किया, तो उस गाय की रक्षा के लिए मैंने ये अवमंत्र जल छोड़ा और उससे सिंह की मृत्यु हो गई, गाय सुरक्षित बच गई।
पूरे राज्य में एक एक गाय की खबर है इनको, एक एक ब्राह्मण की खबर है इनको, आश्चर्य है, विलक्षण शक्ति है इनके पास। रावण को भरोसा नहीं हुआ, वो तत्काल मन के वेग से वहां पहुंचा, तो उस ब्राह्मण से मिला, तो उस ब्राह्मण ने कहा रघुजी उपस्थित यहां न होते तो मेरी गाय को सिंह खा जाता और मेरे अग्निहोत्र का लोप हो जाता। रावण ने सोचा ये तो बहुत कठिन काम है भैया, ये तो बहुत शक्ति संपन्न है, युद्ध का उत्साह तो रावण का कुछ ठंडा हो गया, लेकिन मन में सोचा मैं त्रिलोक विजयी कैसे बनूंगा बिना इनको जीते हुए। तो रावण ने कहा कि भगवान मैं आया तो किसी दूसरे पर, बोले तुम किस लिए आए थे हमको सब पता है, और तुम ब्राह्मण हो इस नाते से हम तुमसे युद्ध करना नहीं चाहते, और दूसरी बात यह है कि समान शक्ति वाले से युद्ध करना चाहिए, शक्ति में तुम हमारी समता नहीं कर सकते। देखो युद्ध का निर्णय पीछे करना, पहले ये बताओ ये है ना तुम्हारी लंका, बोले हाँ ये है, ऐसी है, नक्शा बना दिया, तर्जनी उंगली से शरीव जी की रज में पूरी लंका का नक्शा खींच दिया, और नक्शा करने के बाद उसका एक कोना अपनी हथेली से मिटा दिया, बोले जाओ लंका देख के आओ, तो जिस कोने पे हथेली फिराई थी वो कोना साफ, कुछ नहीं था वहां। रावण घबराया, बोले पूरी पूरी लंका के नक्शा पर हाथ फेर देते तो मैं तो बेघर हो जाता, कुछ नहीं बचता मेरे, विलक्षण शक्ति है। वहीं से मन ही मन नमस्कार करके रावण वहां से चला गया। अंत में रावण को ये लगा कि इस रघु की जो शक्ति है इसके पीछे रघु की पत्नी का पातिव्रत है, वो महान पतिव्रता है, तो मैं उसके सतीत्व को यदि नष्ट करूं तो संभव है रघु की पराजय। तो रघु का रूप धारण करके रावण अयोध्या में पहुंच गया, पर महान सती रानी ने देखते ही कह दिया कि ये महाराज नहीं है। स्वागत सत्कार नहीं किया, मंत्रियों ने भी उसको पहचान लिया, ऐसी सबकी दिव्य दृष्टि। अंत में रावण वहां से भी हताश निराश होकर गया। जब रघु जी को पता चला कि रनिवास में आकर उसने अमर्यादा करने की कोशिश की, तब रघु जी को क्रोध आया और उनको लगा कि अब तो इसको दंड देना ही चाहिए। तो जैसे ही रघु जी ने अपने तर्कस से एक बाण निकाला, बाण लेते ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आप सत्य संकल्प हैं, आपके इस एक बाण से ही रावण का वध हो जाएगा, पर रावण का वध प्रभु के हाथ से होगा, ऐसा ही विधान है, उस विधान को व्यर्थ मत करो, उस विधान को सुरक्षित करो, उस विधान की उपेक्षा मत करो। बोले ये बाण तो अब द्वारा तर्कस में जाएगा नहीं, तो बोले इसी बाण से आगे तुम्हारे वंश में राम जी प्रकट होकर रावण का वध करेंगे। तो वो बाण ब्रह्मा जी ले गए, ये कृतिवास रामायण की कथा है। तो जब रावण ले गए, ब्रह्मा जी ले गए, और रावण को जब ये पता चला नारद जी के द्वारा कि मेरे मृत्यु बाण को ब्रह्मा जी ले गए हैं, तब रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वो बाण मांग लिया। कहते ना रावण ने काल को सिर्फ पाटी से बांध रखा था, वो पाटी वाटी कुछ नहीं, उसी बाण को ही उसने अपने कब्जे में कर रखा था, उसी से मैं मरूंगा, ये नहीं होगा तो मैं मरूंगा ही नहीं। तो विभीषण ने कहा वो बाण तो है रावण के हाथ में, लेकिन रावण ने धरती पर उसे कहां सुरक्षित रखा है
ये हमको ज्ञात नहीं है। लंका में रखा है कि लंका के बाहर रखा है, कहाँ रखा है, ये तो रावण ही जान सकता है, मैं इस विषय में नहीं जानता। पर यह अवश्य जानता हूं कि वह बाण रावण के पास। अब ये तो बड़ी विचित्र बात थी, कौन पता लगाएगा? हनुमान जी बोले हम पता लगाएंगे। ये है हनुमान जी की दक्षता, हनुमान जी की कुशलता, कार्य कुशलता, चतुराई। राम रावण युद्ध चल रहा है, रावण के मस्तक कट कट करके धरती पर गिर रहे हैं और मंदोदरी अत्यंत दुखी होकर के उपवन में बैठकर विलाप कर रही है। उसी समय हनुमान जी महाराज एक बटुक ब्रह्मचारी के वेश में वहां उपस्थित हो गए और रावण की विजय हो, रावण की विजय हो ऐसा बोलने लगे। सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ मंदोदरी को। मंदोदरी ने कहा बटुक जी आप क्या बोल रहे हो, मेरे पति के मस्तक कट कट कर गिर रहे हैं और आप कहते हैं रावण की विजय हो, उनकी विजय कैसे होगी? बोले देवी तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है कि ब्रह्मा जी के हाथ से तुम्हारे पति ने मृत्युबाण ले रखा है और वो मृत्युबाण जब तक शत्रु पक्ष में नहीं जाएगा तब तक रावण का वध होने वाला नहीं, वो हमको पता है। तो एक मनुष्य की कमजोरी होती है पुरुष की, वो कोई ऐसी बात भी जो किसी को न बतावे किसी न किसी प्रसंग में अपनी पत्नी को जरूर बता देता है। अब ये चतुराई बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी में कहां से आई कि मंदोदरी को पता होगा? तो ऐसी बात बनाई हनुमान जी ने कि मंदोदरी भूल गई। बोले ये तो सब कुछ जानते हैं तुमको? बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, वो बाण तो अंतापुर में जहां रावण का शयन कक्ष है मेरे पति का, उसके अमुक कोण में स्तंभ में उसको चिनवा करके सुरक्षित रखा हुआ है और दशक मेरे पतिदेव नित्य उसका पूजन कर, मैं भी पूजन करती हूँ, ये बात तो मैं भूल ही गई थी। ये बात जैसे ही मंदोदरी के मुंह से प्रकट हुई हनुमान जी तत्काल अंतर्धान हुए, रनिवास में पहुंचकर एक लात लगा करके स्तंभ को तोड़ दिया, बाण को लेकर राम जी के हाथ में दे दिया और बोले बस प्रभु अब काम तमाम करो। तो छाड़े सर 31, 31वां बाण जो था वो रघु का था, वो हनुमान जी की दक्षता से राम जी के हाथ में आया, ऐसी बात कृतिवास में लिखी हुई है। ये है हनुमान जी की दक्षता। काम तो बहुत लोग करते पर कुशलता नहीं होती। प्रज्ञता हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, हनुमान जी की नीति निपुणता, हनुमान जी का विक्रम, हनुमान जी का प्रभाव, सब कुछ अपने आप में अलौकिक है। लगता है सारे सद्गुणों ने हनुमान जी में ही निवास कर रखा है। ऐसे हनुमान जी का चरित्र सुनाइए, तब तक आप कुछ सुनाए हमारे, आप लोग कीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री
शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम प्रज्ञता नयसाधनम् विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयः हनुमान जी का धैर्य अद्भुत धैर्य है हनुमान जी धीरता के अभाव में बड़े बड़े सामर्थ्यवान लोग हताश होकर अपने जीवन से निराश हो जाते हैं धैर्य के अभाव धारिय धीर तो पाई पारू धैर्य धारण करना हनुमान जी कभी हताश निराश नहीं होते अद्भुत धैर्य है हनुमान जी पद्म पुराण में एक प्रसंग में राजा सुबाहु के प्रकरण में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ अश्वमेध अश्व के लिए बहुत भयंकर युद्ध हुआ उस युद्ध में राजा के पक्ष से भगवान शिव खड़े हुए युद्ध करने के लिए वीरभद्र आदि सब गणेश जी कार्तिकेय जी वीरभद्र सब खड़े हैं भैरव काली सब हैं और अयोध्या वासियों के छक्के छूट गए भरत जी शत्रुघ्न जी सब हताश निराश होने लगे धीरे धीरे हनुमान जी ने बड़ा प्रचंड पराक्रम किया हनुमान जी का उत्साह कम नहीं हुआ क्यों धैर्य इतना है हनुमान जी का बहुत धैर्य है और शंकर जी को भी खरी खोटी सुनाने में संकोच नहीं किया बोले राम जी के भगत बनते हो तो राम जी का यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहे हो क्या सबकी दशा कर रखी है राजा के पक्ष से खड़े हो शिवजी बोले हनुमान जी तुम जो कुछ कहो सब हम सुनने के लिए तैयार हैं राजा हरिहर में अभेद बुद्धि रखता है जितना भक्त मेरा वह है उतना ही भक्त रघुनाथ जी का है मेरा परम भक्त है राम जी का भी परम भक्त है और मैं वचनबद्ध हूं उसकी सुरक्षा के लिए तुम चाहे जो आरोप मेरे ऊपर लगाओ पर बात सच्ची यह है कि हमारा भगत जो राजा सुबाहु है उसकी एक ही इच्छा है कि राम जी के चरण उसके नगर में पड़े उसी के लिए युद्ध हो रहा है इसलिए अब तुम भी पूरा पराक्रम करो मैं भी पूरा पराक्रम करता हूं सब लोग स्वस्थ हो जाएं हनुमान जी ने सबको वर मांगा सब स्वस्थ हो गए सब ठीक हो गए बोले अब हमारा तुम्हारा युद्ध होगा पराक्रम करो हनुमान जी ने बिल्कुल ठीक हनुमान जी का और शिव जी का भयंकर युद्ध होगा
युद्ध के क्रम में एक बार हनुमान जी बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने एक विशाल वृक्ष शंकर जी पर दे मारा। शंकर जी का डमरू बज गया, वरम ब्रूही। हनुमान जी बोले, अरे युद्ध चल रहा है, यहां वरदान लेने देने की कहां से बात आ गई। बोले, कोई एक बिल्व पत्र चढ़ाता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, इतना विशाल बिल्व का वृक्ष तुमने हमारे ऊपर अर्पित कर दिया, मैं प्रसन्न हूं। अब वरदान मांगो, तो वरदान यही है कि राम जी का अश्वमेध यज्ञ सविधि सकुशल संपन्न होवे। आप अनुग्रह कीजिए। बोले, तो ठीक है, आप राम जी का स्मरण करो, क्योंकि देखो हमारे तुम्हारे युद्ध में निर्णय की स्थिति बन जाए ये कठिन है, कोई कम नहीं। निर्णय कैसे हो, कब तक युद्ध चलेगा इसकी कोई सीमा नहीं। राम जी का स्मरण करो, क्योंकि तुम कहते हो युद्ध बंद कर दूं, मैं युद्ध बंद नहीं कर सकता। एक ही वचन है, राम जी सामने आ जाएं तो मैं युद्ध बंद कर दूं, इष्ट के सामने युद्ध नहीं करूंगा। तब हनुमान जी ने भगवान का आवाहन किया, प्रभु इस समय सब संकट में हैं और यहां भी आपके भक्त ही हैं, आप अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप भक्त वांछा कल्प तरु हैं। तो भगवान श्री राम कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए, हाथ में सुरवा है राम जी के, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, यजमान की वेशभूषा है राम जी की, सुख सुरवा आदि राम जी हाथ में लिए हुए हैं, राम जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर नंदीश्वर से कूदे और साष्टांग प्रणाम किया लौट करके। युद्ध बंद हो गया, राम जी की पधरावनी हुई और फिर राजा अश्वरक्षक के रूप में शत्रुघ्न जी के साथ पीछे हो गए, साथ लग गए। ये क्या है, ये हनुमान जी का धैर्य है। हम आपसे निवेदन, ऐसे अनेक प्रसंग हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, सबका धैर्य टूट गया था, मान लो हनुमान जी का भी धैर्य टूट जाता तब क्या होता। हनुमान जी का धैर्य नहीं टूटा, हनुमान जी की बुद्धिमत्ता। हनुमान जी लंका पहुंचे तो पहुंचते ही हनुमान जी ने मन में सोचा कि इतनी भीड़ लेके हम लोग पड़े हैं कि रावण से युद्ध करेंगे, इस लंका में तो महाराज अभेद्य दुर्ग है, कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। भगवान श्री राम, महाबली लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव, जामवंत, अंगद, जामवंत जी का नाम नहीं लिया, जामवंत जी, अंगद जी और मैं, इन पांच लोगों की गति ही लंका में है, छठा यहां कोई आ ही नहीं सकता है। इस अवेद्य दुर्ग का भेदन कैसे होगा और हमको सब बंदर भालुओं को यहां तक पहुंचाना है, तो हमें इस पद्धति से इस दुर्ग का निरीक्षण करना पड़ेगा कि रावण के किले में कमजोरी कहां है, ये हमको देखना है। तो चार अंगुल की भूमि हनुमान जी ने नहीं छोड़ी जहां हनुमान जी न गए, और पूरा लंका का नक्शा अपने यहां फिट करके हनुमान जी लाए, ये हनुमान जी की प्रज्ञता।
रावण के चौथाई बल को नष्ट करके आए हनुमान जी। चाराना बल तो राम जी हनुमान जी ने पहली यात्रा में ही समाप्त कर दिया। 80,000 राक्षसों का वध किया, 5 सेनापतियों का वध किया, 7 मंत्री पुत्रों का वध किया, अक्षय कुमार का वध किया। अक्षय कुमार के संबंध में एक बात प्रामाणिक पुरुषों से सुनने को मिलती है। अक्षय कुमार भी देवगुरु बृहस्पति की पाठशाला में पढ़ते थे और बानरराज बाली के पुत्र अंगद भी बृहस्पति की पाठशाला में पढ़ते थे। अंगद जी तो अंगद जी ही थे, बुंदेलखंडी भाषा में कहे तो थपरिया देते थे। थपरिया ना जानते ना, थप्पड़ मारना, थपरिया देते थे। कभी बालकों में झगड़ा होता तो अंगद जी अक्षय कुमार की पिटाई कर देते थे। अक्षय कुमार भी बहुत शक्तिशाली था। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में अक्षय कुमार के पराक्रम को देखना चाहिए। हनुमान जी स्वयं धन्य धन्य कह रहे हैं, इस वीर का शौर्य, इसका पराक्रम धन्य है। हनुमान जी धन्यवाद दे रहे हैं उसको। आकाश में सिद्ध चारण गंधर्व प्रशंसा कर रहे हैं, अद्भुत वीर है अक्षय कुमार, सामान्य वीर नहीं है अक्षय कुमार, महान सूरवीर है। बालकों में झगड़ा होता तो गुरुजी से शिकायत होती है, अक्षय कुमार बृहस्पति जी से शिकायत करता, गुरुजी हमको पीटता है। समझाया, बोले भाई हम ये अटपट बोलता है तो मैं पीटता हूं। बोले देखो कुछ भी हो तुम हाथ मत उठाया करो, पीटा मत करो। और माने नहीं अंगद जी, फिर पिटाई कर दिया। तो बृहस्पति जी रुष्ट हो गए, उन्होंने कहा कि अब तुम हाथ उठाओगे ना तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और ये तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएगा तो भी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये मार देगा तुमको तो तुम मर जाओगे, इसके प्रहार से जीवित नहीं बचोगे। और इसको पीटोगे तो भी मर जाओगे। इसलिए अंगद जी सकुचा रहे थे कि वहां अक्षय कुमार है और उसको ये पता है, और हम तो वहां गए तो जिए फिरती कछु संस क्या है, हाँ जिए संशय कछु फिरती बारा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, मैं लौट के आने में संदेह है, क्यों मर के मर ही जाऊंगा। तो हनुमान जी फांस काट के चले आए। अक्षय कुमार की चटनी बना के आए, समाप्त कर दिया उसको। लंका में आग लगा के आए हनुमान जी, रावण हनुमान जी की पूछ जलाना चाहता था, रावण पूछ जला नहीं पाया, हनुमान जी ने रावण की मूछ जला दी। पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास कहते थे कि जब रावण ने हनुमान जी की पूछ में आग लगवाई, बड़े ढोल नगाड़े बज रहे थे, हनुमान जी की पूछ में आग लगाई जा रही थी और लपट बहुत ऊपर तक उठ रही थी, रावण ठहाका लगाकर ऐसे मूछ पर ताव देकर हंसने लग गया। हनुमान जी ने उसका ठहाका सुना तो एक मूछ पर ताव दे रहा था, दूसरी मूछ तो खाली थी। हनुमान जी ने सोचा कि अग्नि लगाने का श्री गणेश कहाँ से करें, तो पंडित जी कहते थे कि पूछ से मूछ में आग लगा दी। और रावण की कोई एक मूछ थोड़े ही, 10 मुंह हैं,
तो मूछ भी पूरी मूछों की जमात है, यहाँ की लगाई, यहाँ उसने ऐसे ऐसे बुझाए तब तक इधर की लगा दी। और एक बात और पंडित जी ने लिखी है अपने ग्रंथ में बहुत अच्छी, बोले हनुमान जी तंत्र शास्त्र के भी बहुत बड़े विद्वान हैं। तो रावण जब मंदोदरी के साथ सो रहा था तो पहले तो एक बार हनुमान जी को भ्रम हो गया कहीं जानकी जी तो नहीं है, और वाल्मीकि के सुंदरकांड में भी इसका संकेत है, और हनुमान जी ने बाद में सोचा कि नहीं ये जानकी जी नहीं हो सकती, क्योंकि राम जी के वियोग में वो शयन नहीं कर सकती और स्वेच्छापूर्वक रावण के पर्यंक पर तो नहीं शयन कर सकती है, ये निश्चित मंदोदरी है। तो हनुमान जी ने तंत्र प्रयोग किया, ये पंडित जी ने लिखा है, प्रामाणिक विद्वान थे वो भी। क्या तंत्र प्रयोग किया? मंदोदरी की चोटी और रावण की चोटी शिखा, चोटी उन दोनों को तंत्र पूर्वक बांध दिया। उसकी चोटी से वेणी से रावण की चोटी बांध दी। ब्राह्मण था, चोटी तो रखता ही था। उसको उन्होंने लिखा है चेटिका तंत्र। चेटिका तंत्र के अनुसार उन्होंने बांधी। अब उस तंत्र का की काट क्या है? उसकी काट ये है कि चोटी गांठ खुलेगी नहीं, चोटी काटनी पड़ेगी और बेणी काटनी पड़ेगी। किसी सौभाग्यवती स्त्री की बेणी काट दी जाए तो यह उसके लिए बहुत अशुभ संकेत है। अब तो माताएं अपने आप ही कैंची चलवाती हैं अपने केसों पर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। माताओं को बाल नहीं कटवाने चाहिए, शास्त्रों में उसका निषेध है। आपने देखा होगा अभी भी हिंदू परंपरा में किसी नारी का सुहाग उजड़ जाता है तो उसके कुछ केस काट कर उसकी अर्थी पर रखे जाते हैं। तो केस उसी स्थिति में कटते हैं जब पति की मृत्यु होती है, उसके पहले केस काटने का विधान नहीं है। नारी के केस पर कैंची नहीं चलनी चाहिए। अब चोटी कटे बेणी कटे ये मंदोदरी के लिए बहुत अपशकुन सूचक है, और ब्राह्मण की विद्वान पंडित की चोटी कटे ये ब्राह्मण के लिए बहुत तिरस्कार अपमान की बात है, अर्थात उसका तो ब्रह्मत्व ही नष्ट हो गया। काटेंगे तो भी रावण की हंसी और मंदोदरी का अपशकुन, और खुलेगी कैसे? तो भैया जी इसमें लिखा है कि खुलती एक ही तरह से है, पत्नी पूरी शक्ति लगाकर पति के मुंह पर थप्पड़ लगावे तो खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। अब सवेरे जैसे ही उठे तो चोटी और बेणी दोनों बंधी हुई थी, टकराए। अरे ये क्या हुआ, ये दुष्टता किसने की, यहाँ तक कौन चला आया? बोले अब सोचने विचारने का समय नहीं है, इसको खोलो। वो खोले ही नहीं गांठ। रावण भी विद्वान तो था ही तंत्र शास्त्र का, उसने देखा, रे बोले तो किसी बड़े तांत्रिक ने तंत्र प्रयोग किया है, अमुक तंत्र के अनुसार ये बांधा है। अब उसका एक ही समाधान है, या तो हमारी चोटी कटे तुम्हारी वेणी कटे। बोले वो तो सब दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी, भाई हमारी चोटी कटेगी और तुम्हारी बेणी कटेगी तो बात छिपी हुई तो रह नहीं जाएगी, बात प्रकट हो जाएगी तो उसमें हमारी निंदा बहुत होगी, ये
हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, अब देवी अभी कोई देखने सुनने वाला नहीं है, अब ये कही इसका उपाय है कि तुम पूरी शक्ति लगाकर एक तमाचा हमारे मुंह पर लगाओ तो ये खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। मंदोदरी बहुत संकोच में पड़ गई, कैसे रावण के मुंह पे तमाचा लगावे, और इधर वीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बजने लगे रावण को जगाने वाले वाद्य। बोले तब तक कोई ना कोई सेवक परिचारक आ जाएगा, फिर आपत हो जाएगी, अभी कोई नहीं है। मरता क्या ना करता, एक थप्पड़ जमाया और थप्पड़ जमाते ही गांठ खुल गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बंदर भालुओं के चपेटा तो पीछे पड़ेंगे, हनुमान जी की दक्षता, हनुमान जी ने पहले पत्नी से ही पिटवा दिया रावण को, मंदोदरी से थप्पड़ जड़वा दिया, एक एक बात को बारीकी से हनुमान जी ने देखा। ऐसा लगता है सारे सद्गुण श्री हनुमान जी में विराजमान। राम जी के संपूर्ण सद्गुण श्री हनुमान जी में हैं। कुछ गुण ऐसे हैं जो राम जी से अधिक हैं। आप लोग कहेंगे राम जी से अधिक कैसे हैं? राम जी असंख्येय कल्याण गुणगण निलय हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, इतने असंख्य अचिंत्य अनंत गुणों के समुद्र हैं श्री हनुमान जी रघुनाथ जी, और वे अनंत गुणगण निलय श्री रघुनाथ जी निरंतर हनुमान जी के हृदय में विराजते हैं, इसलिए राम जी के सारे सद्गुण हनुमान जी में। पर एक सद्गुण, कुछ सद्गुण ऐसे हैं जो राम जी में नहीं है, वो हनुमान जी में। फिर हम स्पष्ट कर रहे हैं, राम जी के गुणों की कोई गणना नहीं है, असंख्य अनंत गुण है राम जी में, पर जो हनुमान जी में है वो राम जी में नहीं है। पहला गुण जो हनुमान जी में है वो राम जी में नहीं है, वो है पुरस्कार का गुण। पुरस्कार जानते हैं, इसको कहते सिफारिश, लोक व्यवहार की भाषा में क्या कहते हैं, सिफारिश। जब से लोगों को यह पता चला है कि बागेश्वर धाम वाले मलुक पीठ वालों से बड़ा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, हमको भी लोग परेशान करते हैं, हमारी सिफारिश हमारी सिफारिश हमारी सिफारिश। हम एक ही बात कहते, भैया उन बेचारों को पानी पीने की फुर्सत नहीं है, ये तो हनुमान जी शक्ति दे रहे हैं, नहीं तो पूरी रात तो इनको जगना है, पूरी रात जगना है, और दिनों रात सेवा करनी है, रात भर जगते हैं, शरीर को विश्राम बहुत कम देते हैं, इतनी भीड़ में आदमी रह के पागल हो जाए।
चौबीसों घंटे लोग घेरे हुए, कभी चले जाओ और हम एक और नई समस्या पैदा कर दें कि उनकी सिफारिश उनकी सिफारिश उनकी सिफारिश। जाओ हनुमान जी के दरबार में और उनके यहां कोई भेद नहीं है, हनुमान जी जिसकी अर्जी स्वीकार करते हैं उसका समाधान होता है, उसमें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। ये सिफारिश वाला जो गुण है वो राम जी में नहीं है। क्यों नहीं है राम जी में? राम जी ने किसी की सिफारिश की हो बताओ? ये सिफारिश वाला गुण राम जी में इसलिए नहीं है क्योंकि सिफारिश सदा अपने से बड़े के पास की जाती है और राम जी से बड़ा कोई है नहीं। वो किससे सिफारिश करें? पर हनुमान जी में ये सिफारिश वाला गुण है। हनुमान जी की सिफारिश कैसी? नाथ सैल पर कपिपति रही, नाथ सैल पर कपिपति रही, नाथ सैल पर कपिपति रही, नाथ सैल पर कपिपति तब सबसे पहले राम जी को संबोधन कर रहे हैं हनुमान जी नाथ। नाथ का अर्थ है नाथ ही किसी अनाथ को सनाथ कर सकता है। आप नाथ हैं और सुग्रीव अनाथ है। हम आपको नाथ कह रहे हैं मानो सिफारिश कर रहे हैं उस अनाथ को सनाथ कीजिए। बोले वो अनाथ रहता कहाँ है जिसको आप सनाथ करने की बात बोल रहे हैं? नाथ सैल पर पर्वत के ऊपर रहता, पर्वत के ऊपर रहता है वो, पर्वत के ऊपर रहता है। पर्वत के ऊपर रहता है इसका अर्थ क्या है? जीव जो है वो पर्वतारूढ़ ही है। जीव जो है वो पर्वतारूढ़ है। हम सब पहाड़ पे चढ़े हैं। माता जी बैठे विराजे प्रेम, हम सब पर्वत पर चढ़े हुए। ये पर्वत क्या है? अहंकार का पर्वत। और एक बात बिल्कुल पक्की तौर पर समझ लो,
अहम शून्य हुए बिना न तो ज्ञान प्रकट होगा और ना ही अहम शून्य हुए बिना भक्ति प्रकट होगी। अहम शून्य होना पड़ेगा तो ज्ञान प्रकट होगा, अहम शून्य होना पड़ेगा तो भक्ति प्रकट होगी। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, ज्ञानी नाम अग्रगण्य में क्यों है? हनुमान जी अहम शून्य, हनुमान जी में अहंकार की गंध नहीं, बिल्कुल अहंकार नहीं हनुमान जी। हनुमान जी के शब्दों में साखा मृग के बड़ी मनुसाई, साखा मृग के बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जा, साखा ते शाखा मृग हैं, बंदर हैं, और उछलना कूदना बंदरों का काम है, उसमें कौन सी बड़ी बात यहां से छलांग लगा के वहां चले गए, कोई बड़ी बात नहीं। अरे भाई छलांग तो बंदर लगाते हैं, पर 1200 किलोमीटर की छलांग तो बंदर नहीं लगाते। बता दुनिया में कोई बंदर हो 1200 किलोमीटर की छलांग लगाने वाला? 100 योजन माने 1200 किलोमीटर। बोले उसमें भी हमारी विशेषता थोड़ी है, तब किसकी विशेषता है? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माए जल लांग गए अचरज ना। तो ठीक है, चलो श्री राम नामांकृत मुद्रिका के प्रभाव से आप छलांग लगा गए, पर मुद्रिका तो आपने किशोरी जी को दे दी, वहां से फिर छलांग कैसे लगाई? बोले वहां, यहां आपने मुद्रिका दे दी, वहां माता जी ने चूड़ामणि दे दी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है चूड़ामणि को भी हनुमान जी ने अपने मुख में रखा है। भगवान की व्यवस्था है, सबको एक व्यवस्था मिली नहीं है, सुविधा नहीं मिली है। बानरों को एक सुविधा है, एक थैली, उनके मुंह में एक अलग से थैली होती है, उसमें भर लेते हैं। धोखा का बंदर चना खाते भी उसको भर लेते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे ठूंसा मार के और उसको धीरे धीरे खाते रहेंगे, वो मुंह में स्टॉक कर सकते हैं। वहां से चूड़ामणि आपके चरणों तक ले आई, प्रभु मुझे तो पता नहीं है, गेंद को क्या पता गेंद कहाँ जाएगी, आपने ठोकर मारी,
श्री किशोरी जी के चरणों में पहुंच गया और श्री किशोरी जी ने ठोकर मारी, फिर आपके चरणों में आ गया। मैं तो युगल सरकार के चरण कमल की गेंद बन गया, मेरा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। भरा गेंद का क्या पुरुषार्थ? नागी सिंधु आटक पुरजारा, निश्चर गन बधी विपिन उजारा। इतने सब काम किए लेकिन सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुता, ऐसी अहम शून्य वाणी है हनुमान जी की। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल प्रभु प्रभाव बढ़वा न लही, जारी सके जो बढ़वानल समुद्र के जल को जला देती है, उस बढ़वानल को एक तूल एक चिनगारी उस बडवानल को जला सकती है। आपका प्रभाव ऐसा है। देखो सच्ची बात बताएं, ये पाप पुण्य लगते ही अहंकार के कारण है। अहम शून्य होने पर पाप छू नहीं सकता। समुद्र लंघन, किसी नगर में आग लगाना, वृक्ष लगाना कितना पुण्य का काम, और उस समय के धरती के सबसे श्रेष्ठ बगीचे को उजाड़ देना। रावण के उपवन को उजाड़ देना ये भी अच्छा काम नहीं है। आग लगाना पुण्य का काम नहीं, वृक्ष उजाड़ना वन उजाड़ना पुण्य का काम नहीं, और भ्रूण हत्या तो ब्रह्म हत्या के जैसा भयंकर पाप है, गर्भ हत्या। हनुमान जी की गर्जना से राक्षसियों के गर्भ गिर गए। श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी, हनुमान जी पे केस चलना चाहिए। हनुमान जी को न यहाँ कोई सजा भोगने को मिली और नरक जाने का तो प्रश्न ही नहीं। हनुमान जी को पाप का स्पर्श क्यों नहीं? अरे पाप का स्पर्श नहीं, इतना ही नहीं, हनुमान जी के इन चरित्रों को सुनने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको भला पाप का स्पर्श कहां से होगा। ये है हनुमान जी की अहम शून्यता की महिमा। हनुमान जी सर्वथा अहम शून्य, अहम शून्य होकर ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, इसलिए बंधन में नहीं है। अहम शून्य होकर भगवान विष्णु पालन कर रहे हैं, इसलिए बंधन में नहीं है। अहम शून्य होकर शंकर जी संहार कर देते हैं, शंकर जी को भी बंधन नहीं है। अहंकार का ही बंधन है। वैकारिक तामस तेजस त्रिविध अहंकार से ही 16 भूतों की उत्पत्ति होती है और उसी से पिंड ब्रह्मांड बनता है। सारा खेला सारा विस्तार अहंकार का है।
पूर्ण ज्ञान होने पर अहम शून्यता आ जाएगी और पूर्णा भक्ति होने पर भी अहम शून्यता आ जाएगी। जीव अहंकार के पर्वत पर चढ़ा है, अविद्या माया के कारण न जाने कितने प्रकार की उपाधियां अहंकार, उनसे तो ग्रसित है ही, उनको तो अपने साधन से अपने विवेक से नष्ट करने का कोई प्रयास करता नहीं, और नए नए अहंकार ओढ़ता चला जाता है। जितना अहंकार पुष्ट करता चला जाता है हरि गुरु संतों से उतना दूर होता चला जाता है, भगवान से उतना दूर होता चला जाता है। अहंकार इतना सूक्ष्म है कि अहंकार रहता तो है, पता नहीं चलता कि अहंकार है। अब कितना सूक्ष्म है अहंकार, मैं अहम शून्य हूं यह भी एक अहंकार है। हमने अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से सुना कि श्री गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी दोनों जा रहे थे, तो मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी के सिर पे ठोकर लगाई, कुछ नहीं बोले, द्वारा ठोकर लगाई, तिवारा ठोकर लगाई, बार बार ठोकर लगाने लगे, सिर में टोल मारने लगे, तो गोरखनाथ जी ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है, आप अहंकार को ठोक बजा के देख रहे हैं, अहंकार नहीं है। बोले ये तो मैं भी जानता हूं कि वह नहीं है, लेकिन वह नहीं है यह तो है। अहंकार नहीं है इस बात का अहंकार तो तुम्हारे भीतर है। अहम शून्य होने का उपाय क्या है? अहम शून्य होने का उपाय हनुमान जी अहम शून्य होने का उपाय बता रहे हैं। अहम से मुक्त होना चाहते हो तो एक श्रेष्ठ अहंकार को स्वीकार कर लो। वो कौन सा अहंकार है? दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मजा। मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं, मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं। इस दास्य भाव से ही हनुमान जी ने सारे अहंकारों पर विजय प्राप्त कर ली। आप झुके नहीं। महाराज जी को वहां कुर्सी पर बिठा दें, कुर्सी बढ़िया रहे। श्री बद्रीनारायण भगवान की जय।
ये भी हमारे भारत राष्ट्र की एक संत परंपरा की अनुपम विभूति है। सकल अलौकिक कर्म तुम्हारे, सब कार्य आपके अलौकिक। तो मैं भगवान का दास हूं, यह अहंकार ही सारे अहंकारों की दवा है, सबको जड़मूल से समाप्त करने वाला है। हनुमान जी में यह अहंकार है। तो महाराज वो तो अहंकार के पर्वत पर चढ़ा है, आप उसके अहंकार की ओर देखेंगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा, पर आप उसके अहंकार की ओर नहीं देखना। वो सुग्रीव आपका दास है, वो आपका दास है। कौन सा, कौन सी दास की परिभाषा सुग्रीव में घटित हो रही है? राम जी को देख कर सुग्रीव जी सशंकित हो रहे हैं। अब बोले भागो तुरत तजो या सैला, अब मैं तो भाग जाऊंगा। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है महाराज जी कि सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम उनसे बातचीत करना तो तुम्हारा मुंह हमारी तरफ रहना चाहिए, क्योंकि तुम क्या बात कर रहे हो ये तो हमको सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम बोलते समय तुम्हारे मुंह की भाव भंगिमा क्या है इसको देखकर मैं अनुमान लगा लूंगा कि हमको यहां रहना है कि यहां से भागकर किसी सुरक्षित जगह में जाना है। जो भगवान को देखकर सशंकित है, भयभीत है, संदेह कर रहा है, उसका परिचय हनुमान जी दे रहे हैं। सो सुग्रीव दास तब आए, वो आपका दास है। अहि माने है, आप उसको दास बना लीजिए, दास के रूप में अंगीकार कर लीजिए, आपका दास बनेगा ये नहीं, वो आपका दास है। दासत्व तो कहीं घटित होता नहीं, फिर दास कैसे है? हनुमान जी तत्व दृष्टि से बोल रहे हैं। देखिए, जीव भगवान का नित्य अंश है और भगवान नित्य अंशी है, तो अंशी जीव का अंशभूत जो अंशी परमात्मा का अंशभूत जो जीव है उसका क्या संबंध है? स्वामी सेवक संबंध ही है। अंशी भगवान स्वामी है और अंश दास सेवक है, इसलिए जीव नित्य श्री राम दास है, जीव नित्य श्री कृष्ण दास है, जीव नित्य श्री हरिदास है। इस बात को जीव स्वीकार कर ले, बात बन गई। मैं भगवान का दास हूं, इस बात को स्वीकार न करने के कारण ही हम सबकी दुर्दशा हो रही है। मोरे अधिक दास पर प्रीति,
भगवान की दासों पर प्रीति ज्यादा है। हमारे वैष्णव परंपरा के आचार्यों ने अनुभव किया भगवान की दासों में प्रीति ज्यादा है, क्यों ना दासांत नाम ही रख लो, रामदास, कृष्णदास, गोविंद दास, बालक दास, नारायण दास, नान दासांत नाम, माधव दास, मुकुंद दास। हमारे ठाकुर जी इतने भोरे हैं, नाम मात्र के दास होने से भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। हम भगवान के प्रिय दास बन जाएं। जो शब्द दास शब्द का, जो अर्थ दास शब्द का है, वही अर्थ शरण शब्द का है। शरण माने भी दास, आश्रय में रहने वाले को दास कहते, उसी को शरणागत कहते हैं। दास शब्द में दो अक्षर हैं, दा और सा। द माने ददाति, स माने सद्यः। ददाति सद्यः मुक्तिंच तथा भुक्तिम विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तः निगमागम पार गई। भगवान का दास बनने से, दास के रूप में अपने आप को स्वीकार करने से सद्यः मुक्ति होती है। हम भगवान के दास हैं, जिस क्षण स्वीकार किया उसी क्षण मुक्त हो गए, संसार चक्र छूट गया। मुक्ति तो हो गई और एक और विशेष बात हो गई, भुक्ति। मुक्ति के साथ भुक्ति, भुक्ति का त्याग करोगे तो मुक्ति मिलेगी, पर राम जी के दास बन जाओ तो भुक्ति मुक्ति दोनों मिलेगी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, दासों को कितनी सुविधा प्राप्त है। लुगा रोटी नी के राके आगे हुकी वेद भाके, लुगा रोटी नी के राके आगे हुकी वेद भाके, रोटी लुगा जैसे नाम मात्र के भी दास बन जाओ तो दो चीज तो पक्की होगी, लूगा, लूगा माने कपड़ा, और रोटी, किसकी कमी नहीं रहेगी। वो आगे हो कि भेद भाग है, आगे भी गड्ढे में नहीं जाओगे। करहु कल्प भरी राज तुम मोहि सुमरहु मन माय, पुनि मम धाम पे हऊ जहां संत सब जाय। आगे हो कि वेद भाग, भलो हुए है तेरो, तू भगवान का दास बन जाए तेरा भला हो जाएगा। बस इसी कारण से गोस्वामी जी कहते मैं तो आनंद में रहता। पूज्य बाबा महाराज बैठे हैं, दो पैसा की किसी की नौकरी करते हैं, दो पैसा की किसी की नौकरी है,
व्यापार में खोमचे की भी दुकान लगाते हैं क्या? कुछ नहीं। और सैकड़ों सैकड़ों टन मेवा और फल अर्पित कर देते ठाकुर जी को, लुटा देते ऐसे ही। बड़े बड़े विशाल यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े भंडारे, दो पैसा की किसी की नौकरी नहीं। ये क्या है? ये दास होने का फायदा है, दास हो गया। ब्रह्मचारी जी मुक्ति तो मिल गई, भुक्ति भी मिल जाती है। भुक्ति बंधन कारक है, पर दासों को जो भुक्ति मिलती वो भुक्ति नहीं है, वो भगवत प्रसाद है। प्रसाद है, प्रसाद बंधन कारक नहीं है, प्रसाद मोक्ष कारक है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये हनुमान जी में विशेष गुण है पुरस्कार का, सिफारिश का गुण। तो हनुमान जी झूठ नहीं बोलते, हनुमान जी ज्ञान दृष्टि तत्व दृष्टि से कह रहे हैं कि सुग्रीव जीव है, भले ही वो अहंकार के पर्वत पर बैठा है, जीव है, किंतु जीव होने के कारण आपका दास है, क्योंकि आपने छाती ठोक कर कहा है ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, मेरा ही अंश है, आपका दास। यही है गुरु जी का काम और यही है हनुमान जी का काम। गुरु जी दो तरह से सिफारिश करते हैं महाराज जी, इधर ठाकुर जी को बाध्य करते हैं इसी को अपना लीजिए, उधर जीव को भगवान की करुणा, भगवान की भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता सुना सुनाकर उसके मन में साहस दिलाते हैं कि भगवान तो किसी को किसी के अपराध को देखते ही नहीं है, वो तो शरण में जाते ही स्वीकार कर लेते, तुम क्यों घबरा रहे हो? विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा, कोटि विप्रबध लागे जाऊ आयु शरण तजऊ नहीं था। और हनुमान जी यही काम करते हैं, राम जी के दिव्य गुण सुनाकर सुग्रीव जी के मन में उत्साह भरते हैं और सुग्रीव जी की दीन दशा का निवेदन करके राम जी को करुणा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये गुण हनुमान जी में राम जी से ज्यादा है। एक गुण और है राम जी में, राम जी से ज्यादा हनुमान जी में, वो कौन सा गुण है? राम जी में कथा कीर्तन का गुण नहीं है, राम जी अपना ही कीर्तन करने लग जाएं, अपनी ही कथा राम जी खुद करने लग जाएं, तो राम जी के लिए अशोभनीय हो जाए, हो जाएगा कि नहीं? अरे राम जी की बात जाने दो, हमारे बागेश्वर महाराज हैं, ये व्यास पीठ पर बैठकर राम कथा कृष्ण कथा न सुनाकर अपनी ही कथा कहने लग जाएं, अपने ही नाम का कीर्तन कराने लग जाएं, तो थोड़े दिन में लोग कहेंगे कि इनका माथा फिर गया है, अच्छा नहीं लगेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि इस समय कथा में विकृति क्या आई है, महाराज जी कहते हैं कथा लोग कहते हैं तो पहले क्या कहते हैं, पहले आप कथा, अपनी कथा कहेंगे, फिर बाप कथा, हमारे पिताजी ऐसे, हमारे दादाजी ऐसे, आप कथा, बाप कथा, फिर लोक व्यथा, आजकल ऐसा हो रहा है संसार की व्यथा, अब बची खुची राम कथा कृष्ण कथा, कहां तक कल्याण करें? राम कथा कृष्ण कथा को प्रधान रखो, राम जी ना अपना कीर्तन खुद करते ना राम जी अपनी कथा कुछ कर सकते, ये तो राम भक्तों की ही इसमें शोभा है, हनुमान जी कथा सुनते भी हैं और हनुमान जी कथा करते भी हैं।
आपको हमारी बात पे विश्वास ना हो तो देख लो, यहाँ मानस जी की पोथी खुली हुई है, माइक भी रखा है हनुमान जी के सामने, और ये यहाँ तो खाली टेप रिकॉर्ड बज रहा है, बोल तो वही रहे, माइक भी वही रखा है और पोथी भी वही रखी है। ये कथा कीर्तन वाला गुण भी राम जी से ज्यादा है हनुमान जी, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा अधिक न होता तो अधिक कहा कैसे जाता। मो मोरे मन प्रभु अस विश्वास, महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। पांच तो लगभग बज गए हैं, समय हो गया है, पर हमने 56 छंद खोल के रखे हैं, उनका स्मरण हम कर लेते हैं। दो छंदों में हनुमान जी का बड़े आदर पूर्वक स्मरण किया है, उसको कह के हम विराम करेंगे। हरि बल्लभ सब प्रार जिन चरण प्रेणु आसा, हरि वल्लभ सब प्रार को जिन चरण प्रेणु आसा, हरि कमला गरुड़ सुनंद आदि सोदस प्रभु पद रति, कमला गरुड़ सुनंद आदि सोदस प्रभु पद रति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सवरी, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सवरी, विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौशारव कुंती बधू पटिये चत कौशारव कुंती बधू पटे चत लजारी, हरि बल्लभ सब प्राण चरण रे आसा, हरि बल्लभ सब भक्त हैं जो भगवान के भक्त हैं अर्थात भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं, और एक ऐसे भक्त हैं जिनके प्रति भगवान भक्ति रखते हैं। महाराज जी दो कोटियां, एक तो भक्त भगवान को भजते हैं, एक कोटि हो गई, दूसरी कोटि भगवान स्वयं ही उन भक्तों को भजते हैं। तो भगवान जिन भक्तों को भजते हैं उनकी कोटि सबसे ऊंची कोटि है, और उस कोटि के भक्तों में नाभा गोस्वामी जी ने हनुमान जी का स्मरण किया है।
हनुमान जी निरंतर राम जी के नाम का स्मरण करते हैं। सुमेरी पवन सूत पावन नाम, सुमेरी पवन सूत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी तो निरंतर राम जी का स्मरण करते हैं, राम जी भी निरंतर हनुमान जी का स्मरण। एक छोटा सा प्रसंग महाराज जी, पातालपुरी में रहने वाला अहिरावण, रावण का ही पुत्र था, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से उसको समुद्र में विसर्जित कर दिया गया था और इसलिए वो पाताल चला गया और फिर वो इनका राजा बन गया। देवी का भक्त था, भगवती पाताल देवी ने उसके ऊपर कृपा की, तमाम शक्तियां उसको प्राप्त हो गई थी और रावण ने जब देखा कि कुंभकर्ण भी मारा गया, मेघनाद भी मारा गया, अब हताश निराश रावण ने अपने पुत्र महिरावण का स्मरण किया, अहिरावण का स्मरण किया। आकर्षण मंत्र का जप किया और तत्काल अहिरावण रावण के सामने उपस्थित हुआ। पिताजी आप उदास चिंतित क्यों हैं? संक्षेप में सारी कथा सुनाई, आपने हमको पहले क्यों नहीं बुलाया? रावण बोला भूल हो गई, हम सोचते थे छोटी मोटी बात है, छोटे काम के लिए तुमको क्यों बुलाएं, पर अब तो स्थिति ये है, तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण मारे गए हैं, तुम्हारे अग्रज लंका के युवराज इंद्र को जीतने वाले मेघनाद इंद्रजीत मारे गए। बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शत्रुओं का ही हरण करके ले जाता हूं। रावण ने कहा शत्रुओं को तुम असुरक्षित समझ रहे हो, वो असुरक्षित नहीं है, बहुत सुरक्षित है। सुवेल पर्वत पर खुले मैदान में पड़े हैं, पर लंका के दुर्ग से अधिक कड़ी सुरक्षा है वहां। अहिरावण ने पूछा सुरक्षा करने वाला वहां कौन है खुले में? बोले दिन में तो युद्ध चलता है, रात्रि को शिविर के बाहर हनुमान जी का पहरा रहता है और हनुमान जी अपनी पूछ से ही परकोटा लगा देते हैं, पूछ को ही राउंड करके गोल करके पूरी चेहरे दीवारी बन जाती है। हनुमान जी की पूछ को लांग करके जाने की हिम्मत किसी की नहीं, वो एक ही बानर वीर ऐसा है जो जिसके कारण हमको पराजय से पराजय की ओर जाना पड़ रहा है। हनुमान जी की पूछ भला कौन लांग सकता था? अहिरावण ने पूछा हनुमान जी की सुरक्षा के बाद सबका आना जाना प्रतिबंधित है? बोले हां, सूर्यास्त के बाद कोई कहीं जाता आता नहीं, सब वहीं रहते हैं, सूर्योदय तक एक जगह सबको रहना होता है, केवल एक विभीषण ऐसे हैं कि जिनको छूट है जाने आने की। ठीक, बोला युक्ति मिल गई, तो विभीषण का रूप धारण करके अहिरावण आया और विभीषण ने सूचना दे दी थी राम जी को
कि अहिरावण को बुला लिया है रावण ने, और ये बहुत मायावी है, कोई घटना घट सकती है, सब सावधान थे। ये विभीषण का वेश बनाकर गया, हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा कि आपने ही खबर दी थी, फिर इतनी रात को आप कहां से आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि संकट को देखकर प्रभु के प्रति बड़ा प्रेम है हमारे मन में, सायं संध्या करने समुद्र गया था और वहीं से फिर बैठ करके चिंतन में डूब गया, विचारों में खो गया, विलंब हो गया, और अहिरावण कभी भी छल कर सकता, अहिरावण ही बोल रहा है, तो हनुमान जी आपकी सुरक्षा तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं भी वहां पूरी रात जागकर सुरक्षा करूं, जिससे कोई दुर्घटना न घट जाए। हनुमान जी ने कही तो बहुत अच्छी बात है, तब आप जाइए। हनुमान जी ने प्रवेश दे दिया। इस तरह से अहिरावण उस अभेद्य व्यूह में प्रविष्ट हो गया। राक्षसी माया का प्रयोग करके उसने सबको सुला दिया, विभीषण जी को भी सुला दिया सम्मोहन विद्या करके। मंत्रों का आदर भगवान भी करते, भगवान भी सो गए। सो गए क्या, उनका तो नरनाट्य चल रहा है, नाटक है। राम लक्ष्मण जी भी शयन का नाटक किया, और उसी बीच में अहिरावण श्री राम लक्ष्मण को लेकर पातालपुरी चला गया। प्रातःकाल श्री राम लक्ष्मण को नहीं देखा, हाहाकार मच गया, रोना गाना शुरू हो गया। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा, विभीषण बोले हम तो गए ही नहीं कहीं, तो आधी रात को आने वाला कौन था? बोले वो तो मेरा वेश तो केवल अहिरावण ही बना सकता, वो ही होगा, वो पाताल गया। तो श्री हनुमान जी महाराज पाताल में प्रविष्ट हुए, उनकी तो अव्याहत गति है, दसों दिशाओं में कहीं जा सकते हैं हनुमान जी। और अणिमा सिद्धि का आश्रय लेकर, गुड़हल का फूल होता ना गुड़हल, इसलिए गुड़हल भगवान सूर्य को तो चढ़ता ही है, भगवती को भी प्रिय है, हनुमान जी को भी प्रिय है। हनुमान जी भी गुड़हल में विराजे हैं थोड़ी देर के लिए, गुड़हल का फूल होता ना जपा कुसुम, तो गुड़हल के फूल में हनुमान जी बैठ गए अणिमा सिद्धि का आश्रय लेकर। और वह पुष्प जैसे ही अहिरावण ने भगवती पाताल देवी के मस्तक पर अर्पित किया, हनुमान जी ने अपना भार इतना मन ही मन बढ़ा लिया कि पाताली देवी की मूर्ति तो और नीचे पाताल में चली गई, वो तो पैर के नीचे दबा ली इन्होंने, और देवी के ऊपर खोए, देवी के स्थान पर देवा बन के खड़े हो गए। जीव और इतनी लंबी हनुमान जी ने निकाल ली, और तलवार और ढाल लेकर ऐसे से हिलाने लग गए। अहिरावण ने समझा कि आज भगवती ज्यादा प्रसन्न है, इसलिए प्रकट होकर दर्शन दे रही है, क्यों ना हो इन राजकुमारों की बलि अर्पित करना है अपनी इष्ट देवता को। और उस समय पुरोहित ने कहा, कि तुम याद करो, स्मरण करो, अब तुम्हारी मृत्यु का क्षण निकट है, बलिदान का समय बिल्कुल निकट है, लक्ष्मण जी थोड़े से तमक रहे थे, राम जी ने इशारा किया कि
हमारे साथ हो, नाटक जैसे हम करें वैसे ही करो, उपद्रव नहीं करना। लक्ष्मण जी भी शांत हैं। अपने इष्ट देवता का स्मरण करो। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि राम जी निरंतर स्मरण करते हैं, हनुमान जी निरंतर करते हैं स्मरण राम जी का। आज जब अहिरावण ने कहा अपने इष्ट का स्मरण करो, तो राम जी हनुमान जी का नाम लेने लगे। हनुमान मंत्र का जप करने लगे लक्ष्मण जी को, तुम भी हनुमान जी के मंत्र को जपो। राम लक्ष्मण दोनों, लक्ष्मण जी सोच रहे थे सरकार क्या लीला कर रहे हैं, हनुमान जी के मंत्र का जप कर रहे हैं। यहां हनुमान जी कहां धरे हैं? नेत्रों के इशारे से पूछा सरकार ने, कहा देख लो देवी के स्थान पर कौन देवता खड़े हैं। वो हनुमान जी खड़े हैं सामने। अब तो महाराज देवी के स्थान पर प्रकट देवा को खूब खीर मालपुआ जलेबी का भोग लगाया और हनुमान जी ने खूब जलेबी खूब चूरमा खाया। बोले आज तो भगवती बड़ी खुश है, सब कुछ खा जाएगी, कुछ छोड़ेगी नहीं लगता प्रसाद, सब खा गए हनुमान जी। और इसके बाद जैसे ही पुरोहित ने मंत्रोच्चार किया सिर धड़ से अलग करने के लिए, तुरंत हनुमान जी ने पैतरा बदला और तलवार छीन करके पुरोहित का और वहां जितने थे सब का रुंड मुंड हनुमान जी ने एक कर दिया और राम लक्ष्मण को कंधे पर लेकर आए। उस स्वरूप को आज भी संतों में संकट मोचन स्वरूप कहा जाता है, जिसमें कंधे पर राम लक्ष्मण है और चरणों के नीचे पाताली देवी है। ये कथा हमारे कहने का प्रयोजन ये है, हरि वल्लभ जैसे भगवान निरंतर, हनुमान जी जैसे निरंतर राम जी का स्मरण करते हैं, ऐसी राम जी हनुमान जी की भक्ति करते हैं, राम जी हनुमान जी का स्मरण। उन भक्तों में नाभा जी ने श्री हनुमान जी का स्मरण किया है और दूसरे भक्त हैं नवदा भक्ति। नवदा भक्ति के क्रम में दास्य दीपत्य कपीश्वर, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। दास्य रस के आचार्य हनुमान जी को कहा, दास्य भक्ति का आचार्य हनुमान जी को कहा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की कथा 5:15 हो गए हैं यहाँ पूर्ण करते हैं और कल फिर से यथामति यथा समय हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे आगे की सूचना रोहित जी देंगे। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम।